छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, जिससे किसान खेती करके न सिर्फ अपनी जीविका चला रहे हैं बल्कि फसल को उचित दरों में बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। महिला स्वसहायता समूहों की महिलाएं और किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लगातार बदल रही तस्वीर और किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। सरकार किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने की ट्रेनिंग तो दे ही रही है, साथ ही उस उपज को अच्छी कीमत पर खरीद भी रही है। हर तरफ लघु धान्य फसलों का अपना अलग ही महत्व है। इन फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये फसल वहाँ बोई जाती है जहाँ जहाँ अन्य फसलों की उपज नहीं हो पाती, जैसे उपजाऊ कंकरीली जमीन। एक साल पहले कांकेर में लघु धान्य फसलों का रकबा करीब 5400 हेक्टेयर था, लेकिन जिला प्रशासन ने लघु धान्य फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर और दुर्गु कुंडल विकास खंड के गांव बोटुल मुंडा में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर किसानों के लिए एक बेहतरी के दरवाजे खोल दिए, जिससे अब ये रकबा 5400 से बढ़कर 10056 हेक्टेयर हो गया है। यहाँ पर हम लोग कोदो चावल और रागी का आटा निकालते हैं और आंगनबाड़ी में सप्लाई होता है, और कुपोषित बच्चे हैं उन लोग के लिए खिलाते हैं, उन लोग को खिलाते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोग को दिया जाता है ये सारी चीज़ें, और हम लोग को यहाँ बहुत फायदा हो रहा है। भूपेश काका जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। एक साल पहले कांकेर में लघु धान्य प्रसंस्करण की स्थापना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी, जिससे जिले में मिलेट मिशन की शुरुआत हुई और एक साल में 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता बढ़कर 816 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। जिले में पहले विपणन की व्यवस्था नहीं होने से किसान लघु धान्य फसलों की जगह धान की फसल को प्राथमिकता देते थे, साथ ही लघु धान्य फसलों का प्रसंस्करण कोदो कुटकी से चावल निकालना और रागी की पॉलिशिंग करने में ज्यादा मेहनत लगने की वजह से सिर्फ खुद के उपयोग के लिए ही उगाया जाता था और जो बच जाता था उसे व्यापारियों को कम दामों में बेच दिया जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार की मदद से 100 एकड़ में रागी, कोदो और कुटकी के उन्नत किस्म के बीजों का खेतों में उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही 300 किसानों को उत्पादन और संग्रहण कार्य से जोड़ा गया है। साथ ही राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। किसान अपनी उपज कम कीमत में बिचौलियों को बेचा करते थे, वो अब समर्थन मूल्य पर उपज को बेचते हैं। जो इसमें मुख्य समस्या थी, एक तो विपणन की व्यवस्था नहीं थी, दूसरा किसानों को इसकी मिलिंग में मतलब प्रसंस्करण करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। महिलाएं यदि दिन भर उसमें प्रसंस्करण कार्य करें, उसमें दिन भर में दो महिलाएं 15 से 20 किलो से ज़्यादा नहीं निकाल पाती थी, तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये मैकेनाइज्ड प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है कांकेर में। निश्चित रूप से इन फसलों की खेती को जिले में बढ़ावा मिलेगा और जो किसान इसको पहले से उगाते आ रहे हैं वो अधिक रकबा में भी इसको और उगाएंगे और लाभान्वित होंगे। वहीं इस बार राज्य सरकार नए समर्थन मूल्यों के साथ लघु धान्य फसलें खरीदेगी।
राज्य सरकार के इस प्रयोग से आदिवासी क्षेत्र के किसान लगातार तरक्की कर रहे हैं, साथ ही और मेहनत कर अगले साल फसल में इजाफा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।